महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। आज सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। और खबर है कि बीजेपी से 9 जबकि शिंदे गुट से 7 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है। शिंदे गुट से गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत और दीपक केसरकर समेत 7 विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी से राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और गिरीश महाजन को मंत्री बनाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र में आज सियासी हलचल काफी तेज है। मैं एकनाथ संभाजी शिंदे, ईश्वर साक्ष शपथ लेतो की भारतीय संविधान बदल मी खरी श्रद्धा निष्ठा बाळगी। जून में सरकार बनी, सीएम और डिप्टी सीएम ने कुर्सी संभाली। अब आज अगस्त में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। आज सुबह 11 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ग्यारह बजे मंत्रिमंडल का शपथ विधि राजभवन में होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन सदस्यों को मंत्री पद की शपथ देना चाहते हैं, उनकी यादी महामहिम राज्यपाल महोदय को सुपुर्द करेंगे। जितने लोगों का नाम आ रहा है सर, उसमें वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। अब तक केवल सीएम और डिप्टी सीएम सरकार चला रहे थे, इसे लेकर विरोधियों की ओर से लगातार तंज किए जा रहे थे। अब आज बीजेपी से 9 और शिंदे गुट से 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। शिंदे गुट से जो मंत्री बनेंगे उनमें पहला नाम गुलाबराव पाटिल का है, जो उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव ग्रामीण से विधायक हैं। 1999 से एरंडोल से विधायक थे। जाति के ओबीसी हैं, पहले पान की घुमटी लगाते थे, इसलिए बगावत के बाद आदित्य और संजय राउत पान की टपरी वाला कहकर चढ़ाते थे। दूसरा नाम उदय सामंत का है, कोंकण रीजन के रत्नागिरी से विधायक, 2004 में एनसीपी छोड़ी और शिवसेना ज्वाइन की, 2004 से लगातार विधायक हैं, मराठा हैं और शिंदे के भरोसेमंद हैं। अघाड़ी सरकार में मंत्री थे, शिंदे गुट की नई कार्यकारिणी में भी हैं। तीसरा नाम है दादा भूसे का, जो उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव आउटर से विधायक हैं, मराठा हैं और 2004 से लगातार विधायक रहे, अघाड़ी सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए थे। चौथा नाम संदीपान भूमरे का है, ये भी मराठा हैं, औरंगाबाद जिले की पैठन विधानसभा सीट से 1995 से 5 बार विधायक रहे हैं, अघाड़ी सरकार में रोजगार गारंटी स्कीम और बागान मंत्री रह चुके हैं, मराठवाड़ा में शिवसेना के बड़े नेता गिने जाते हैं। पांचवा नाम शंभूराज देसाई का है, वो भी मराठा नेता है, पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटण विधानसभा से विधायक है, अघाड़ी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। छठा नाम बच्चू कडू का है, जो विदर्भ के अमरावती का ओबीसी चेहरा है, अचलपुर से प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक है, अघाड़ी सरकार में भी मंत्री रहे हैं, इन्हें भी शिंदे गुट से ही मंत्री बनाया जा सकता है। सातवां नाम दीपक केसरकर का है, दीपक केसरकर शिंदे गुट के प्रवक्ता है और कोंकण रेंज में शिवसेना को मजबूत करने में उनका बड़ा रोल रहा है। बीजेपी के नाम तय करने के लिए देर रात तक देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर माथापच्ची होती रही। कहा जा रहा है कि विधायकों की लिस्ट फाइनल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की लिस्ट में जो नाम हैं, उनमें पहला नाम राधाकृष्ण विखे पाटिल का है, जो पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा नेता हैं, शिरडी विधानसभा से 1995 से विधायक हैं, कांग्रेस एनसीपी सरकार में भी कृषि मंत्री थे, जुलाई 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी, पिछली फडणवीस सरकार में मंत्री रहे, बालासाहेब विखे पाटिल के बेटे हैं, बेटा सुजय अहमदनगर से सांसद है, पवार परिवार के धुर विरोधी हैं और मोदी की गुड बुक में हैं। दूसरा नाम सुधीर मुनगंटीवार का है, जो विदर्भ के वैश्य परिवार से आते हैं, चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर विधानसभा से 4 बार चुनाव जीते हैं, 2009 से 2013 तक महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रहे, पिछली फडणवीस सरकार में वित्त और वन मंत्री रहे, नितिन गडकरी के बेहद करीबी हैं। तीसरा नाम गिरीश महाजन का है, उत्तर महाराष्ट्र के खानदेश से ओबीसी गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, जलगांव जिली जामनेर तहसील से 1995 से लगातार विधायक रहे, फडणवीस सरकार में मेडिकल एजुकेशन मंत्री थे, महाराष्ट्र भर में मेडिकल कैंप आयोजित किए, संघ की गुड बुक में हैं और देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड माने जाते हैं। चौथा नाम चंद्रकांत पाटिल का है, पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर से विधायक हैं, मराठा हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पिछले चुनाव में पुणे से चुनाव लड़े और जीते, फडणवीस सरकार में राजस्व जैसे बड़े विभाग के मंत्री थे। पांचवा नाम विजय कुमार गावित का है, उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से 1995 से विधायक हैं, आदिवासी हैं और 2 बार आदिवासी विकास मंत्रालय संभाला है,
पहले एनसीपी में थे और 2014 में बीजेपी ज्वाइन की। छठवां नाम सुरेश खाड़े का है, सांगली जिले के मेरठ से विधायक है। पश्चिमी महाराष्ट्र में दलित चेहरा है, फडणवीस सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे। सातवां नाम अतुल सावे का है जो ओबीसी है, मराठवाड़ा के औरंगाबाद पूर्व से 2014 से विधायक है। 2019 में फडणवीस सरकार में राज्य मंत्री थे। औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ओबीसी चेहरे को जगह दी जा रही है। आठवां नाम रविंद्र चौहान का है, कोंकण क्षेत्र के जाने माने नेता हैं। उनकी छवि मराठा नेता के तौर पर है। बीजेपी की तरफ से मंगल प्रभात लोढ़ा के नाम की भी चर्चा है। कोंकण से मारवाड़ी छवि वाले मंगल प्रभात लोढ़ा 6 बार विधायक रह चुके हैं। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा को देश के सबसे अमीर बिल्डर के रूप में जाना जाता है। फोर्ब्स की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल है। बीजेपी जो है वो ओबीसी, मराठा, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट और ओपन, इन कैटेगरी में से एक एक अनुभवी चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। वही एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अनुभवी और खास तौर पर मराठवाड़ा और कोकण रीजन से आने वाले कद्दावर नेताओं को पहले चरण में स्थान दिया जाएगा, जहां पर बीजेपी विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र पर जो है फोकस करेगी। वही एकनाथ शिंदे गुट, जहां उनका सबसे ज़्यादा होल्ड है, उस मराठवाड़ा और कोकण रीजन में से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी। अभी दोनों तरफ से 16 विधायक ही शपथ लेंगे, क्योंकि बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। कैबिनेट विस्तार में इस देरी की असल वजह भी यही है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जो कि बेहद ही छोटा होगा। इसकी वजह है क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके 16 समर्थक विधायकों का पात्रता का अपात्रता का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है, और यही कारण है कि इतने दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को टाला जा रहा था। लेकिन विपक्ष और राज्य की जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा था, जिसके कारण आखिरकार अभी मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। इसके पीछे की भूमिका भी ये है, क्योंकि शुक्रवार की देर रात जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बैठक हुई थी। करीबन 2 घंटे से लंबी ये बैठक चली थी, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार करने पर सहमति बनी थी। फॉर्मूला भी जो है वो तय हुआ है। बीजेपी की हिस्सेदारी जो है 60% रहेगी, 60%, तो एकनाथ शिंदे गुट की हिस्सेदारी सरकार में 40% रहेगी। एक नाम अब्दुल सत्तार का भी है, जो इस सरकार में इकलौता मुस्लिम चेहरा हो सकते हैं, लेकिन उनकी 2 बेटियों का नाम टीचर भर्ती स्कैम में आ गया है। अब्दुल सत्तार की सफाई ये है कि वो मंत्री न बने, इसलिए ये इल्जाम ऐसे मौके पर उछाला गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।